देखिए, मिसलिनियस एक्सरसाइज है जो चैप्टर 7 की, उसमें ऑफ कोर्स मिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और उसमें डिसाइड करो कि उसमें परम्यूटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, हाउ मैनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ टू वॉवेल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड डॉटर। तो मेरे पास जो वर्ड है वो है डी ए यू जी एच टी ई आर डॉटर, ठीक है, ये वर्ड है। अब इस डॉटर वर्ड में से मुझे दो वॉवल चूज करने हैं और तीन कॉन्सोनेंट चूज करने हैं। अब ये जो डॉटर वर्ड है, इस वर्ड के अंदर हम लोग ये देख लें कि वॉवल कितने हैं, ठीक है, वॉवल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं। कॉन्सोनेंट देख लेते हैं कितने हैं। तो वॉवल्स अगर मैं देखूं तो इसमें मुझे मिल जाता है ए और यू, ए यू और ई, तीन मिल गए मुझे वॉवल्स। अच्छा, कॉन्सोनेंट अगर हम देखें तो हमें डी मिला, फिर इसके बाद जी मिल गया, एच मिल गया, टी मिल गया और आर मिल गया। तो कॉन्सोनेंट हमें 5 मिल जाते हैं। अब बच्चों हमें क्या करना है, विद और विदाउट मीनिंग हमें दो वॉवेल और तीन कॉन्सोनेंट लेकर एक लेटर फॉर्म करने हैं, ठीक है, एक वर्ड फॉर्म करना है। दो वॉवेल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट, यानी कि 5 का कॉम्बिनेशन बनाना है। कितने का कॉम्बिनेशन बनाना है, 5 का, 1, 2, 3, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन बनाना है। अब जो वॉवेल्स हैं वो दो लिए जाने हैं, लेकिन वॉवेल्स हैं मेरे पास कितने, 3। तो जो वॉवेल्स चूज किए जाएंगे, दो वॉवेल्स, वो किस में से चूज किए जाएंगे, तो आंसर है 3 में से 2 वॉवेल्स, ठीक है, 3 में से 2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और कॉन्सोनेंट की अगर बात करें तो कॉन्सोनेंट हमारे पास 5 है, तो 5 में से कितने चूज करने हैं, 3, तो 5 में से ये 3 चूज हो जाएंगे। तो पहले तो आप ये पता करो कि यहाँ से कितने बनेंगे और यहाँ से कितने बनेंगे, ये टोटल पता कर लो, ठीक है। तो ओके, 3c2, तो कितना आएगा बच्चों, तो आंसर है 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू, और इसको पता करो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 फैक्टोरियल ऐसे ही, ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे चल रहा है 2 फैक्टोरियल और 1, यहाँ पर 1 आएगा, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही हो गया, और इधर 5 फैक्टोरियल को आप लिख लो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये जो 3 फैक्टोरियल है ऐसे ही, ठीक है, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल आएगा, जिसको हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, तो जब सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3, और इधर ये सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 10, तो हमारा आंसर कितना आया 30। टोटल आंसर हमारा कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। अब जब आप 5 जब लिखोगे, उसमें से जब आप 5 का बनाओगे ना कॉम्बिनेशन, 5 का 1 2 3 4 5, तो ये जो, ये तो आपको क्लियर हो गया कि आपके जो दो वॉवेल्स हैं वो 2 में से 3 में से चूज किए जाएंगे और 3 कॉन्सोनेंट इन 5 में से चूज किए जाएंगे। लेकिन जब हम बात करें इन वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट से मिलकर बनने वाले ये जो 5 लेटर हैं, ये 5 लेटर भी तो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल। इस बात का मतलब ये है कि मान लो 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट ले लिए, टोटल 5 चीज़ें हो गई। अब इसमें से इसको भरने के हमारे पास कितने वेज हैं, इसमें कोई भी वॉवेल या कोई भी कॉन्सोनेंट आ सकता है, तो इसको भरने के वेज 4 होंगे। फिर इसमें भरा जा चुका है, तो अब इसमें भरने के कितने वेज होंगे, तो आंसर है 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसलिए जब आप टोटल नंबर ऑफ वेज जब निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, तो उसमें 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा दोगे, किसको, 30 को, ठीक है। तो वॉवेल्स को चूज करने के तो हमारे हो गए 3 नंबर ऑफ वेज, कॉन्सोनेंट को चूज करने के हो गए 10, ठीक, तो ये तो बन गया 30। अब ये आपस में जब इनकी पोजीशन चेंज की जाएंगी तो कितने तरीके से चेंज हो सकती हैं,
या हम ये कहें कि इनको फाइव लेटर का वर्ड बनाने के लिए कितने हमारे पास नंबर ऑफ वेज हैं, तो ये फाइव फैक्टोरियल है। फाइव फैक्टोरियल दरअसल कितना हो गया, फाइव इंटू फोर 20 × 3 = 60 × 2 = 120। तो 120 × 30 कितना आंसर आएगा, 3600। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, मेरे पास जो वर्ड है वो है डॉटर। उस डॉटर वर्ड में जो वॉवल्स, कुछ वॉवल्स हैं और कुछ कॉन्सोनेंट हैं, तो मुझे क्या करना है, अब मुझे फाइव लेटर का वर्ड बनाना है जिसमें दो वॉवल्स होने चाहिए और तीन कॉन्सोनेंट होने चाहिए, ठीक है। लेकिन वो जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट आप लोगे वो डॉटर वर्ड में से लोगे, तो डॉटर वर्ड में वॉवल्स देखें तो थ्री हैं और कॉन्सोनेंट अगर हम देखें फाइव। अब जो हम फाइव लेटर का वर्ड बनाने वाले हैं उसमें से वॉवल और कॉन्सोनेंट जो हम चूज करेंगे वो टू वॉवल्स लेंगे और थ्री कॉन्सोनेंट, तो टू वॉवल्स इन थ्री वॉवल्स में से चूज होंगे, थ्री कॉन्सोनेंट इन फाइव कॉन्सोनेंट में से चूज होंगे, तो इनके नंबर ऑफ वेज आपको पता चल गए। अब जब हमें पता है कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को चूज करने के हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ चुके, अब हम बनाएं फाइव लेटर का वर्ड। तो फाइव लेटर का जब वर्ड बनाओगे तो दो वॉवल और तीन कॉन्सोनेंट में से यहाँ पर फाइव हो सकते हैं, फिर उसके बाद एक भर चुका होगा तो यहाँ पर फोर, यहाँ पर थ्री, यहाँ पर टू, यहाँ पर वन, तो इसका मतलब इनको भरने के फाइव फैक्टोरियल वेज होंगे। जो टू वॉवल्स और तीन कॉन्सोनेंट होंगे उनको, उनसे फाइव लेटर का वर्ड बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, तो आंसर है फाइव फैक्टोरियल। तो इनके अपने चूज करने के तो नंबर ऑफ वेज निकल कर आए थे 30, और फाइव लेटर का वर्ड इनसे बनाने के लिए जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो होंगे फाइव फैक्टोरियल, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने बन के आ जाएंगे, 3600। उसमें बात हो रही है इक्वेशन की, जो वर्ड है इक्वेशन उसकी बात हो रही है, और आपको क्या करना है, विद और विदाउट मीनिंग आपको सारे लेटर लेकर चलने हैं, सारे लेटर ही लेकर चलने हैं, सच दैट कि जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट है वो एक साथ आए। तो सारे लेटर एट अ टाइम का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपको क्या करना है, 8 का ही बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बट बात ये है कि आपको वॉवल सारे एक साथ रखने हैं और कॉन्सोनेंट सारे एक साथ रखने हैं। तो मान लो मैंने पहले तो वॉवल्स देख लेता हूँ, वॉवल्स हैं कितने, तो आंसर है वॉवल्स हैं, यहाँ पर कहीं लिख लेते हैं, वॉवल्स हैं हमारे पास ई यू ए आई ओ, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट देख लो कितने हैं, कॉन्सोनेंट हैं क्यू और क्या है टी है और क्या है एन है, ये तीन हैं, ठीक है यहाँ तक। अब आप वॉवल्स जब लिखोगे तो वॉवल्स फाइव है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो इन फाइव में मान लो हमने वॉवल्स रख दिए, कौन रख दिए वॉवल्स, और बाकी के जो तीन बचे उनमें हमने कॉन्सोनेंट रख दिए, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो अब वॉवल्स जब रखोगे फाइव इन में, तो इसमें पहला इस फाइव इसमें जब भरोगे तो फाइव लेटर है हमारे पास भरने के लिए, तो इसको भरने के नंबर ऑफ वेज फाइव होंगे, फिर इसको फोर, इसको थ्री, इसको टू और इसको वन। तो हम ये कहें कि जो वॉवल्स अगर मैं एक साथ रखता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भरने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, फाइव फैक्टोरियल, कितने होंगे फाइव फैक्टोरियल। अब कॉन्सोनेंट की बात करूँ, अब आपको कॉन्सोनेंट भरने हैं इसमें, तो आपके पास तीन लेटर हैं, अब इन तीन लेटर में से पहले वाले को भरने के कितने होंगे थ्री वेज, दूसरे वाले को टू और तीसरे वाले को वन, तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। कॉन्सोनेंट को भरने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, थ्री फैक्टोरियल, वॉवल्स को भरने के कितने हैं, फाइव फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पहले वॉवल्स रखे जाएँ और फिर कॉन्सोनेंट रखे जाएँ, हो सकता है पहले कॉन्सोनेंट लिए जाएँ और फिर बाद में वॉवल्स लिए जाएँ, तो कॉन्सोनेंट और वॉवल का प्लेस भी आपस में एक दूसरे से चेंज हो सकता है टू फैक्टोरियल वेज में, मतलब पहले कॉन्सोनेंट पहले वॉवल्स रख लिए या फिर कॉन्सोनेंट एक वेज हो गया, या पहले कॉन्सोनेंट और फिर वॉवल्स रखे जाए दो वेज हो गए, तो नंबर ऑफ वेज उसके टू हो गए। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड निकल कर जो आएंगे वो क्या निकल कर आएंगे, तो आंसर वॉवल्स को फिल करने के नंबर ऑफ वेज हैं फाइव फैक्टोरियल, कॉन्सोनेंट को फिल करने के हैं थ्री फैक्टोरियल,
और कॉन्सोनेंट और वोवल एक दूसरे से अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं दो तरीके से, टू वेज में, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो 5 का फैक्टोरियल होता है 120, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये 2 इंटू कितना बना 720, और इसको आप सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा 1440। इतने नंबर ऑफ वेज बन के तैयार हो जाएंगे आपके, ठीक है, क्लियर हो गई बात। इक्वेशन जो वर्ड है, इक्वेशन वर्ड कितने लेटर से मिलकर बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर से मिलकर बना हुआ है। तो इन्हीं 8 लेटर के हमें वर्ड बनाने हैं, 8 लेटर को लेकर विद और विदाउट मीनिंग, लेकिन शर्त ये है कि वॉवल्स सब एक साथ रहें और कॉन्सोनेंट सब एक साथ रहें। तो मैंने स्टार्टिंग माना कि क्योंकि मेरे पास 5 वॉवल हैं तो 5 वॉवल्स इन पहले 5 जगह पर रखने के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, तो आप पहले भरना शुरू करो, इसको भरने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 5 में से कोई सा भी भरा जा सकता है, फिर अगले वाले में 4 3 2 1, तो इस तरह से ये 5 फैक्टोरियल। और कॉन्सोनेंट 3 है तो इसको भरने के लिए 3 कॉन्सोनेंट यहाँ पर भरे जाएंगे, एक साथ रखे जाएंगे, तो पहले वाले में कॉन्सोनेंट 3 भरे जा सकते हैं, तीनों में से कोई सा भी, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 1, तो बेसिकली हम इसको कहें तो ये 3 फैक्टोरियल वेज में भरा जा सकता है। बट वॉवल्स और कॉन्सोनेंट की जो पोजीशन है वो भी तो चेंज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है पहले वॉवल्स लें, हो सकता है पहले आप 3 में कॉन्सोनेंट ले लें और बाकी के 5 में वॉवल ले लें, या उल्टा कर लें, पहले 5 में वॉवल ले लें, दूसरे 3 में कॉन्सोनेंट ले लें। तो 5 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वॉवल्स के लिए हो गया और 3 फैक्टोरियल हो गया कॉन्सोनेंट के लिए, और इनकी आपस में पोजीशन चेंज दो तरीके से हो सकती है। तो इतने नंबर ऑफ वेज बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ, क्या क्वेश्चन है, अ कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। हमारे पास कुछ बॉयज हैं वो हैं 9, हमारे पास कुछ गर्ल्स हैं जो कि हैं 4, एंड 7 की कमेटी बनानी है हमें, कमेटी किसकी बनानी है 7 की। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, ठीक है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, फर्स्ट पार्ट इस तरह से गिवन है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, ठीक है। तो 7 की जब आप बच्चों कमेटी बनाओगे तो 7 की कमेटी में गर्ल्स अगर आपने 3 ले ली, गर्ल्स कितनी ली 3 ले ली, तो उस केस में बॉयज़ आप कितने लोगे 7 की कमेटी बनाने के लिए, तो आंसर है 4 लोगे, कितना लोगे 4। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना और समझाना। इसको यहाँ ले लेते हैं और नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स को थोड़ा सा इधर रख देता हूँ, ठीक है, और कमेटी कितने की बनानी है 7 की बनानी है, तो 7 की बनाने के लिए आप देखना एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए, तो गर्ल्स तो हो गई 3, तो बॉयज़ कितने बचेंगे 4, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं दूसरा पार्ट देखूं, दूसरे पार्ट में वो कह रहा है एट लीस्ट थ्री गर्ल्स का मतलब क्या हो गया, 3 गर्ल्स या तो उससे ज़्यादा, ठीक है, 3 गर्ल्स या उससे ज़्यादा, तो गर्ल्स 3 हो जाएंगी तो बॉयज़ 4 होंगे, अगर गर्ल्स 4 हो गई तो बॉयज़ कितने होंगे उस केस में 3, क्योंकि टोटल 7 लोग होने चाहिए, इन दोनों का सम हमेशा 7 होना चाहिए, तो एटलीस्ट 3 का मतलब हो गया 3 गर्ल्स या उससे ज़्यादा, तो गर्ल्स तो 4 ही हैं हमारे पास, तो उनमें से या तो 3 गर्ल्स ली जाएंगी या उससे ज़्यादा 4 गर्ल्स हो सकती हैं, अगर गर्ल्स 3 ली जा रही हैं तो बॉयज़ 4 लिए जाएंगे क्योंकि टोटल 7 है कमेटी में, और अगर गर्ल्स 4 ली गई तो बॉयज़ 3 लिए जाएंगे, ठीक है। अब मान लो वो कह रहा है कि एट मोस्ट थ्री गर्ल्स, तो एटमोस्ट 3 गर्ल्स का क्या मतलब हो गया, 3 गर्ल्स या उससे कम, तो 3 गर्ल्स ली गई तो क्या होगा बोलो, बॉयज़ 4 होंगे। अब मान लो गर्ल 2 ही ली गई तो बॉयज़ कितने लेने पड़ेंगे हमें बोलो, 5 लेने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि 7 बनाना है ना, 7 का कॉम्बिनेशन बनाना है, 7 लोग होने चाहिए कमेटी में। गर्ल्स मान लो 1 ही ली तो बॉयज़ कितने लेने पड़ेंगे 6, और गर्ल मान लो मैंने 0 ली, एक भी गर्ल ना ली, तो बॉयज़ कितने होंगे 7 लेने होंगे, क्लियर है ये वाली बात।
तो इस तरह से आपके कॉम्बिनेशन बनके तैयार होंगे इन 9 में से, 9 बॉयज और 4 गर्ल में से, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अगर आप बनाओगे तो क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, फर्स्ट पार्ट के लिए जो आपका कॉम्बिनेशन बनेंगे, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स लेनी है। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स किस में से ली जाएंगी, 4 गर्ल में से, और फिर जो बाकी के 7 में से 3 तो चूज हो गई गर्ल, तो बॉयज़ कितने बचे, 4, वो 4 बॉयज़ किस में से लिए जाएंगे, 9 में से, तो 9C4, ये आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर देगा। सेकंड पार्ट के अगर आंसर की बात करें तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स की बात करनी है। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब हो गया 3 गर्ल्स भी हो सकती हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो गर्ल्स 4 है ना हमारे पास, तो या तो 3 होंगी या उससे ज़्यादा 4 हो सकती हैं, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती क्योंकि गर्ल्स 4 ही हैं। तो अगर 3 गर्ल्स होंगी तो बॉयज़ 4 होंगे, तो इस केस में कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 4 में से 3, गर्ल 4 है उसमें से 3 चूज की जाएंगी, बॉयज़ इस केस में 9 में से 4 चूज किए जाएंगे। या एक और चीज़ है कि अगर गर्ल्स 4 ली गई हैं तो वो 4 में से 4 चूज होंगी, 4C4, और बॉयज़ 9 में से 3 चूज होंगे, 9 में से 3, ठीक है। तो एक कुछ नंबर ऑफ वेज तो यहाँ से निकल कर आएंगे, प्लस कुछ नंबर ऑफ वेज यहाँ से निकल कर आएंगे, तब आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद ये जो आंसर देगा आपको वो सेकंड पार्ट का आंसर मिलेगा यहाँ से। अब थर्ड पार्ट का आंसर देखो कैसे मिलेगा, थर्ड पार्ट का आंसर कई वेज हैं वहाँ पर, एटमोस्ट 3 गर्ल का मतलब हो गया कि गर्ल 3 ली गई तो बॉयज़ 4 लिए जाएंगे। अब गर्ल तो 4 ही हैं उसमें से 3 ली जाएंगी, और बॉयज़ 9 हैं उसमें से 4 लिए जाएंगे, एक तो नंबर ऑफ वेज यहाँ से आएंगे। या दूसरा काम ये हो जाएगा कि गर्ल्स 2 ली गई और बॉयज़ 5 लिए गए, तो गर्ल्स 2 ली जाएंगी, चूज तो हमेशा 4 में से ही होंगी क्योंकि गर्ल्स 4 हैं, तो 2 ली गई तो वो 4 में से चूज होंगी, और बॉयज़ 9 है 9 में से 5 चूज होंगे, एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा नंबर ऑफ वेज, ठीक है। और अगर गर्ल 1 ली गई तो बॉयज़ कितने लिए गए होंगे, 6, तो 9 में से ये 6 बॉयज़ सेलेक्ट कर लोगे आप। या ऐसा भी हो सकता है कि गर्ल ली गई 0, एक भी ना ली गई, किस में से, 4 गर्ल में से, तो बॉयज़ कितने लेने होंगे, 9 में से 7 बॉयज़। तो कुछ नंबर ऑफ वेज यहाँ से बनेंगे, कुछ यहाँ से बनेंगे, कुछ यहाँ से बनेंगे, कुछ यहाँ से बनेंगे, और इन सबको ऐड करा दोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज निकल कर आ जाएंगे। इसको सॉल्व करके बनेगा 504, इसको सॉल्व करके 588, और इसको सॉल्व करके 1632, ठीक है, ये बन के तैयार हो जाएगा। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, हमारे पास बॉयज़ हैं 9 और गर्ल्स हैं 4, इन्हीं में से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। कैसे बनाना है, पहले एग्जैक्टली जब आप 7 का कॉम्बिनेशन बना रहे हो, ये बात ध्यान रखना, कमेटी 7 की बनेगी, कमेटी कितने की बननी है, 7 की ही बननी है हर बार, ठीक है। तो अगर गर्ल्स 3 लोगे तो ऑप्शन क्या बचा, बॉयज़ 4 लेने पड़ेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन बना रहे होगे तो गर्ल्स गर्ल्स में से चूज होंगी और बॉयज़ बॉयज़ में से चूज होंगे, तो ये बन जाएगा, ठीक। लेकिन अगर एटलीस्ट 3 गर्ल कहा तो इसका मतलब गर्ल 3 हो सकती हैं या 4 भी हो सकती हैं, ज़्यादा 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो अगर 3 गर्ल लोगे तो 7 की कमेटी बनाने के लिए बॉयज़ 4 लेने पड़ेंगे, अगर 4 गर्ल लोगे तो 7 की कमेटी बनाने के लिए बॉयज़ 3 लेने पड़ेंगे। तो या तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा नंबर ऑफ वेज का, तो इसमें भी बॉयज़ बॉयज़ में सेलेक्ट होंगे, गर्ल्स गर्ल में से, और जब ये वाला कॉम्बिनेशन बना रहोगे तो गर्ल्स गर्ल में से सेलेक्ट होंगी, बॉयज़ बॉयज़ में से, तो ये वाला और ये दो बन गए इसमें। और जब एटमोस्ट 3 की बात करोगे बच्चों, तो एटमोस्ट 3 के केस में 3 या 3 से कम हो सकती हैं गर्ल, तो 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उस केस में बॉयज़ बढ़ते जाएंगे, अगर ये 3 हैं तो ये 4 और लिए जाएंगे, ये 2 हैं तो बॉयज़ 5 हो जाएंगे, टोटल 7 चाहिए ना, और ये 1 है तो 6, और ये 0 लिए गए तो ये 7, तो इनसे बन जाएंगे 4 तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे, उन सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वेज निकल कर आ जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है 4, इफ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल द लेटर ऑफ वर्ड एग्जामिनेशन, हमारे पास वर्ड है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ये वर्ड है, इफ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल द लेटर ऑफ वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड इन अ डिक्शनरी,
हाउ मैनी वर्ड आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद ई। अच्छा, ई से पहले कितने वर्ड इसमें डिक्शनरी में आ चुके होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, फिर से ये जो एग्जामिनेशन वर्ड है इसके इसके लेटर से हम इसके जो इतने भी लेटर हैं उनसे लेकर वर्ड अगर वर्ड बनाएं और उन वर्ड को डिक्शनरी में लगाएं तो हमें बताना है कि ई से पहले कितने वहाँ पर वर्ड आ चुके होंगे उस डिक्शनरी के अंदर। तो डिक्शनरी जब बनाई जाती हैं तो ए बी सी डी ई इस तरह से चलती हैं, मतलब पहले सारे वर्ड ए वाले होंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ई वाले, ऐसे होंगे। तो ई से पहले जो लेटर आ चुके होंगे जिनसे वर्ड स्टार्ट हो रहे होंगे वो डी सी बी और ए होंगे। अब इसमें अगर हम देखें तो ए है, बी है क्या? बी बी नहीं है। सी है क्या? नहीं है। डी है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बी है नहीं इसमें, सी है नहीं, डी नहीं है, तो ई से पहले जो वर्ड आए होंगे वो सिर्फ ए से स्टार्ट होने वाले आए होंगे। वैसे तो ए के बाद बी सी डी ई ऐसे चलना चाहिए डिक्शनरी में, ऐसे होते हैं पहले ए वाले सारे वर्ड, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई वाले आएंगे। लेकिन हमें जो डिक्शनरी बनानी है वो सिर्फ इन लेटर्स से बनानी है। तो इन लेटर्स में अगर देखें तो बी सी डी तो आता नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जब हमने डिक्शनरी बनाना स्टार्ट की हुई होगी तो पहले ए से बनाना शुरू की होगी, फिर बी और सी और डी तो आ नहीं रहे, तो फिर ई से, फिर ई आया होगा, फिर उसके बाद एंड सो ऑन इस तरह से आगे चला होगा। तो इन लेटर्स को अगर लिया जाए तो ई से जस्ट पहले सिर्फ ए वाले लेटर जो हैं, ए वाले लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड आए होंगे। तो अभी अगर मैं इनको काउंट करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। ये कितने हैं? 11 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और 11। ठीक है, 11 है ये। अब इन 11 में जब आप वर्ड बनाओगे इन सबको लेकर तो ई से पहले सिर्फ ए वाले आ रहे होंगे तो वो पता करने हैं। तो यानी कि पहला जो लेटर है वो तो फिक्स हो गया, पहला लेटर तो फिक्स हो गया, ए से ही स्टार्ट हो रहे होंगे सारे वर्ड। ई से पहले कितने आ चुके हैं वर्ड, वो सारे वर्ड पता करने हैं। ई से पहले वाले कितने वर्ड आ चुके हैं तो वो वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहे होंगे, ए से स्टार्ट हो रहे होंगे। अब बाकी के जो बच गए वो कितने बच गए हैं, ये ऑब्जेक्ट 10 ऑब्जेक्ट बच गए हैं। ठीक है, 10 ऑब्जेक्ट बचे हुए हैं तो इनको सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो आंसर है 10 फैक्टोरियल। कितना होगा? 10 फैक्टोरियल होगा। लेकिन इसमें से अगर आप देखो तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं। कौन कौन से वर्ड रिपीट हो रहे हैं? तो उसका आंसर ये है कि इसमें एक तो आई रिपीट हो रहा है, ये देखो आई दो बार आ रहा है, तो इसलिए अपॉन में क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल। और आप देखो तो एन दो बार आ रहा है, तो इसलिए अपॉन में क्या आएगा? 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मान लो ये दो बार नहीं आ रहे होते तो आंसर 10 फैक्टोरियल हो जाता। लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट हमारे पास रिपीट हो रहे हों, जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट रिपीट हैं उसमें कुछ, तो उनके उतने फैक्टोरियल से हमें क्या कर देते हैं? डिवाइड करा देते हैं। यहाँ से बच्चों आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा वो यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करो, हमारे पास एग्जामिनेशन वर्ड है, इन एग्जामिनेशन वर्ड में जितने लेटर हैं उन सारे लेटर से को लेकर विद और विदाउट मीनिंग आप एक डिक्शनरी बनाओ। ठीक है, जब आप डिक्शनरी बनाओगे तो आपको ये बताना है कि ई जब आया होगा डिक्शनरी में उससे पहले कितने वर्ड स्टार्ट और कितने वर्ड आ चुके होंगे। तो ई से पहले जो लेटर है इसमें, ई से पहले जो अल्फ़ाबेट्स में आता है वो सिर्फ ए है, तो इसका मतलब ई से पहले जो भी वर्ड आए होंगे वो ए से स्टार्ट हुए होंगे। तो एक तो फिक्स हो गया, वैसे तो ये 11 है बट ए फिक्स हो गया। अब उसके बाद इन सबको भरने के हमारे पास कितने लेटर बचे हुए हैं, तो आंसर है 10। तो वो 10 यहाँ पर भरे जाएंगे 10 फैक्टोरियल वेज में, लेकिन उनमें से कुछ रिपीट हो रहे हैं जैसे आई और एन, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड करा दिया। यहाँ से आपके पास बच्चों टोटल नंबर ऑफ वेज निकल कर आ जाएंगे और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्टली स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, 907200। ये आप अपना आंसर सॉल्व करके मैच करा लेना। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है 5।
हाउ मैनी सिक्स डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0, 1, 3, 5, 7, 9। ये कुछ हमारे पास डिजिट हैं, इन डिजिट से हमें सिक्स डिजिट का क्या बनाना है, सिक्स डिजिट का नंबर बनाना है। सच दैट विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। ये जो आप सिक्स डिजिट का नंबर बनाओगे ये 10 से डिवाइड होना चाहिए। पहली बात तो ये, किससे डिवाइड होना चाहिए, 10 से डिवाइड होना चाहिए। और आपको जो बनाने हैं ये जो सिक्स डिजिट के नंबर, वो इन डिजिट को यूज करके बनाने हैं और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी नंबर जो 10 से डिवाइड होता है उसकी लास्ट डिजिट जीरो होनी चाहिए, है ना, मस्ट है ये कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जीरो तो फिक्स कर देता हूँ, वो तो फिक्स होना ही चाहिए, तभी तो वो 10 से डिवाइड होगा, तो लास्ट डिजिट तो जीरो होनी ही चाहिए। अब बच गए ये 5, तो जीरो तो फिक्स हो गया, अब ये कितने बच गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको भरने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 5। फिर इसको भरने के 4, क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1। तो नंबर ऑफ वेज अगर हम देखें, तो कितना आएगा, आंसर है 5 फैक्टोरियल। कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल को अगर आप सॉल्व करोगे, इन सब का मल्टीप्लाई कराओगे, तो आंसर कितना आएगा, 120 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से, हमारे पास ये 6 डिजिट हैं और इनसे आपको 6 डिजिट का ही नंबर बनाना है, बट वो नंबर 10 से डिवाइड होना चाहिए। 10 से डिवाइड होने के लिए ये वाला जो जीरो है इसका यहाँ होना ज़रूरी है, तो इसको भरने के नंबर ऑफ वेज तो 1 ही है, ये तो फिक्स हो गया यहाँ पर। अब जो बाकी के जो बचे हुए हैं वो इनमें से भरे जाएंगे, और इनमें से भरे बच कितने गए हैं, 5। तो इसको भरने का नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। या हम सिंपली ये कहें कि इनको भरने का नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 120 निकल कर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूँ। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवल्स। हमें कुछ वॉवल्स गिवन है, कितने हैं, 5, और कुछ कॉन्सोनेंट गिवन है, कितने हैं, 21। हाउ मैनी वर्ड विद 2 different vowel and 2 different consonant। दो वॉवल लेने हैं और 2 consonant लेने हैं, इनसे मिलाकर आप कितने वर्ड फॉर्म कर पाओगे, कितने वर्ड फॉर्म हो जाएंगे ये बताने हैं, जिसमें 2 vowels और 2 consonant, और ये भी डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ओके, बेसिकली बच्चों आपको करना ये है कि आपको 4 letter का वर्ड बनाना है जिसमें 2 vowels होंगे और 2 consonant होंगे। ठीक है, तो 2 vowels अगर आपको चूज करने हैं 5 vowels में से, 2 vowels from 5 vowels, तो क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, 5C2 का। अगर 2 consonant चूज करने हो 21 में से, तो इनके लिए नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 21C2। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करो, पहले कितना बनेगा ये, 5 factorial, 2 factorial, 5 minus 2 factorial, और 21 factorial, 2 factorial, और 21 minus 2, यानी कि 19 factorial। ठीक है, अब 5 factorial को 5 into 4 into 3 factorial लिख लो, और 2 factorial को 2 into 1, और साथ में 3 factorial चल रहा है, और इधर 21 factorial को 21 into 20 into 19 factorial लिख लो, और नीचे 2 factorial को 2 into 1 into 19 factorial। अब इधर 3 factorial से 3 factorial कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 10, और इधर 19 से 19 कैंसिल, 2 से ये 10 टाइम कैंसिल, तो ये आ गया 210। तो टोटल 2100 नंबर ऑफ वेज होंगे, किस चीज़ के लिए, 2 vowels को 5 vowels में से चूज करना, और 2 में से 21 consonant को चूज कर, 21 consonant में से 2 consonant को चूज करना। तो 5 में से 2 और 21 में से 2 चूज करेंगे, तो आप टोटल नंबर ऑफ वेज 2100 होंगे इनको चूज करने के। अब उनसे चूज करने के बाद आप जब 4 letter का वर्ड बनाएंगे, 4 letter का वर्ड क्यों बोला मैंने, वो इसलिए बोला क्योंकि उसमें 2 vowels और 2 consonant हैं, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट वॉवल और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सोनेंट हैं। तो जब आप 4 letter का वर्ड बनाओगे तो इसको भरने के नंबर ऑफ वेज 4 होंगे,
है ना, कोई भी यहाँ पर वॉवल या कोई भी कॉन्सोनेंट आ सकता है, या यहाँ पर एक भर चुका होगा तो फिर यहाँ पर थ्री बचेंगे, यहाँ पर टू, यहाँ पर वन। या बेसिकली मैं कहूँ कि टू वॉवल्स और टू कॉन्सोनेंट से मिलाकर वर्ड बनाना हो जिसमें दोनों वॉवल डिफरेंट हैं और दोनों कॉन्सोनेंट भी डिफरेंट हैं, तो उसका नंबर ऑफ वेज टोटल कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल। ठीक, तो यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ वेज निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2100। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 3 12, 12 2 24, और इन टू में क्या 2100। इन दोनों क्वांटिटी का बच्चों मल्टीप्लाई करा लो, तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई करा कर आपको दूँ तो ये बनेगा 50400। ठीक है, क्या बनेगा, 50400। ये आप मल्टीप्लाई अपने आप से करा लेना, ये आपका आंसर बनना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन किया कैसे एक बार फिर से समझने की ज़रूरत है। हमारे पास क्वेश्चन में वॉवल्स गिवन है 5 और कॉन्सोनेंट गिवन है 21। अब आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है, हालांकि क्वेश्चन में उसने नहीं कहा 4 लेटर का वर्ड बनाना है, उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि 2 वॉवल्स ले लो और 2 कॉन्सोनेंट ले लो। ये जो 2 वॉवल लोगे ये भी डिफरेंट होंगे, ये जो 2 कॉन्सोनेंट लोगे ये भी डिफरेंट होंगे, तो बेसिकली आपके पास 4 लेटर का वर्ड बनाना है आपको, 4 लेटर से 4 लेटर का वर्ड बनेगा। तो लेकिन बात ये है कि जो 2 वॉवल्स आप ले रहे हो वो उसको चूज करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, तो 5 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स को चूज करने के नंबर ऑफ वेज आए 10। लेकिन कॉन्सोनेंट जो 2 चूज करोगे आप वो कितने तरीके से चूज किए जा सकते हैं, तो उनके चूज करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, तो ये आए थे 210। तो बेसिकली हमारे पास टोटल 2 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट को चूज करने के नंबर ऑफ वेज आ गए 2100। अब इन 2100 वेज के बाद जब आप इन 4 लेटर को चूज करोगे, है ना, जिसमें से 2 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट आपने चूज किए हैं, तो उनमें जब आप इसको भरोगे तो जैसे आपका जो वॉवल्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, सिर्फ एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, मान लो जैसे ए ओ, है ना, और कॉन्सोनेंट मान लो बी सी डी ऐसा कुछ लिख दिया, तो इन 2 वॉवल्स या 3 कॉन्सोनेंट में से कोई सा भी आ सकता है इसमें, है ना, सॉरी केवल 2 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट लेने हैं, तो इन 2 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट में से कोई सा भी लेटर यहाँ आ सकता है। तो इसको भरने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 4, इसको भरने के नंबर ऑफ वेज 3, फिर 2, फिर 1। तो यानी कि जब आप वॉवल्स या कॉन्सोनेंट यहाँ भरोगे तो 4 फैक्टोरियल वेज में भर सकते हो, जबकि इन वॉवल्स को 2 वॉवल्स को चूज करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 5C2, और इन 2 कॉन्सोनेंट को चूज करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 21C2। लेकिन इनसे जब लेटर बनाओगे, वर्ड जब बनाने चलोगे, तो वो 4 फैक्टोरियल वेज में बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय इनको चूज करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 2100। इनसे मल्टीप्लाई कराओगे तब आपका फाइनल आंसर बनेगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करे अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।